सिर्फ मूर्ति ही नहीं भगवान, ये सब मगर वो मूर्ति के जरिए वो भगवान की जो चेतना हमारे तक पहुंचती है। आपको ये लाइट है, लाइट बल्ब, बल्ब के ऊपर वो शेड लगाते कि नहीं, वो शेड के जरिए वो प्रकाश हमारे पास आते, मगर बिजली कौन जाती ना उसके अंदर, वो बिजली की बात, बिजली दिखती है क्या? नहीं, क्या दिखती है? सिर्फ प्रकाश दिखता है, बल्ब दिखता है। अरे बल्ब नहीं है तो बिजली भी नहीं है, ऐसे सोचोगे? हाथ लगाओ फिर, हाँ पता चलेगा। ऐसे ही प्राण शक्ति होता है, कभी बल्ब को ही चोरी कर लिया, जिस बल्ब के जरिए तुम वो प्रकाश को देखते रही तो इसे बिजली गायब नहीं हुई पर श्री रामचंद्र जी की मौजूदगी होगी। हाँ उसका आभूषण या उसके रूप बाहर की बल्ब जैसे है, वो बस बल्ब चोरी हो गए, मगर वहाँ शक्ति तो जहाँ प्राण प्रतिष्ठा क्या हो सकती है वहाँ, और जहाँ तुम भाव में लेके बैठते उस वातावरण में भी होता है वो, है ना। हम अभी इराक गए थे पिछले साल नवंबर में, वहाँ वो यसीडीज की मंदिर है, यसीडी जनजाति है, उनका सब रिवाज देखो तो बिल्कुल हिंदुस्तान से मिला जुला है। ऐसे ही मंदिर बनाते हैं, कलश है और नाग देवता का करते हैं और तेल की दिया जलाते हैं। मगर वहाँ क्या हुआ, वो वहाँ की मूर्तियों को उन लोगों ने चोरी कर ली, पर हटा दी। वो तुर्क के लोग आए वहाँ, तुर्किस्तान से टर्की के लोग आए और इराक के लोग, वो सब मुसलमान थे, उनको तो मूर्ति पूजा से इतराज थी, उन्होंने सारी मूर्ति हटा दी वहाँ से। मूर्ति तो हट गया मगर वो स्थान में जाके वो ये लोग तो आज भी दिया जलाते हैं, वहाँ बैठते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, ये सब करते हैं। हमारे देश में ये ज़रूरी नहीं कि तुम सिर्फ मूर्ति में ही देखो, हम पेड़ को भी भगवान मानते हैं। अश्वत्थ वृक्ष देखा, उसके चक्कर करते हैं, वृक्ष में भी ईश्वर है भाई। अच्छा, और सूरज में भी देखते हैं, नदी में भी देखते हैं, कहीं भी कोई पत्थर को उठा के रख लेते हैं उसी में हम देखने लगते हैं। सड़क के पत्थर को भी हम मान सकते हैं भगवान, क्यों? अपनी भावना के ऊपर है, पत्थर में थोड़ी ना है। जिस भाव से तुम रखते हो वो होता है। एक कहावत है, अर्चकस्य प्रभावेन शिला भवति शंकर, जो पूजा करते हैं उसकी प्रभाव से उसमें शंकर की प्रभाव आ जाता है। हर पत्थर मूर्ति नहीं होती, कि वो जो मूर्ति जो मानता है उसको मूर्ति हो जाती है। किसी और ने एक और तर्क भी दिया, पहले तो चिट्ठियां पोस्ट बॉक्स में डालते थे, आज तो ईमेल्स वगैरह हो गए, पोस्टल तो बहुत कम लोग प्रयोग में लाते हैं। अपनी चिट्ठी ले जाके पोस्ट बॉक्स में डालते हैं लाल डिब्बे में, और कोई भी लाल डब्बा रख दो उसमें जाके चिट्ठी डालते हैं क्या हर आदमी जिसमें पोस्ट बॉक्स लिखा हुआ हो उसी में डालते हैं, क्यों? अरे लाल डब्बा भाई कहीं भी लगा दो, नहीं जहाँ डालना वहीं डालते। यही तर्क देना तुम, कोई बोलते मंदिर में क्यों जाएंगे, अरे वो मूर्ति को मंत्र के जरिए प्रतिष्ठा की गई है इसीलिए इसको पूजते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस ने किसी बॉक्स को वहां रखा, उस पर नंबर लेके उसको ठप्पा मारी, ये पोस्ट बॉक्स है तो उसमें डालते हैं, हर कोई भी लाल डब्बा में जाके नहीं डालते। ऐसे ही गांधी जी की चित्र सब जगह हो सकते, मगर करेंसी नोट में होते उसी का वैल्यू होता। इसी तरह से पत्थर तो सब जगह कोई पत्थर रख दे नहीं, जिस पत्थर को भाव से रखा उसमें भगवान माना उसी को पूजा जाता है, वही मूर्ति होती है, कोई भी नहीं। हमारे यहाँ ये कहावत है, स्थान प्रधानम न तो बल प्रधान। अब एक मंदिर में वही विष्णु की भगवान द्वारपालक भी होते हैं और चारों ओर भी होते हैं, शिखर में भी होते हैं, दरवाजे में भी होते हैं, वो सबको तो नहीं पूजते।
वही विष्णु का रूप जब वहाँ गर्भस्थान में अंदर अंदर की जो गर्भस्थान में वकायदा शास्त्रोक्त विधि से प्रतिष्ठा की जाती है उसी को पूजते हैं वहीं जाके, नहीं तो मंदिर के चारों दीवार में तो बहुत लगी हुई है सब जगह, वही विष्णु जी की मूर्ति है, वो उसकी शिखर में भी लगा हुआ होता मूर्ति है कि नहीं, द्वारपाल भी वही रखते हैं कि भगवान विष्णु ही रखते हैं, मगर गर्भस्थान में जो प्रतिष्ठा होती है विधिवत उसी को पूछा जाता है। लोग इस बात को नहीं जानते हुए हाँ मुका फालतू बातें करते, फालतू बात करते। मैंने यही कहा कि जो लोग कहते हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं तो हिमाचल भेज दो उनको, वहाँ सारी देवी देवता बोलते हैं, बोलते हैं ना वहाँ देवी देवता, वहाँ तो कैसे वो कुछ प्राण शक्ति उसमें कभी किसी ने प्रतिष्ठा करी वहाँ, ऐसे ही मंत्रों की शक्ति के जरिए प्राण प्रतिष्ठा होती तो वो मूर्ति में कुछ होता है बल, नहीं तो क्यों जाते हैं लोग रामेश्वरम, श्री राम ने वहाँ प्रतिष्ठा कर तो ये बांध के वहाँ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वही मंदिर में ही है भगवान, ये गलत बात है। एक स्थान है, उस स्थान से हमें ध्यान के लिए ज्ञान के लिए चेतना को उत्थान करने के लिए एक आस्पद है, एक मौका है। अब आप लोग घर में भी ध्यान करते हो, यहाँ आके बैठ के ध्यान करते हो, फर्क पड़ता है कि नहीं, कितने लोगों को फर्क लगता है, हाथ उठाओ। ये बात है, ध्यान तो तुम कहीं भी कर सकते हो, स्थान का भी अपना विशेषता है।